दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी जिप की सहायता से डिजाइनर स्लीव कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, मैंने स्लीव कट कर लिया है और जैसे आप कोई भी कलर की जिप ले सकते हैं या जिप जो खराब हो जाती है उस जिप को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्लीव की लेंथ और विड्थ से दोनों बताती हूँ, मैंने कितना इंच लिया है और कितने साइज का है। तो देखिए, ये मैंने 8.5 इंच इसकी विड्थ ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच कटिंग में किया है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट आएगी, ये आएगी 4.5 इंच के आसपास। इस स्लीव को आप 30 या 32 साइज के ब्लाउज या कुर्ती में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी सिलाई के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, ये मैंने लाइनिंग वाली स्लीव है, तो पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग को नीचे रखेंगे और स्लीव को इस तरह से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पर स्टिच डाल देंगे और फिर हम इस स्लीव को पलट देंगे। पलटने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो हमारी बराबर से बैठ जाएगी, हमको नीचे फोल्ड करने की या पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद जो हमारी ये जिप है, हम इस जिप को इस तरह से खोल देते हैं और फिर हम इस जिप को यहाँ पर डिजाइन, क्योंकि जब हम इसको, जैसे मैंने ये मार्जिन ले लिया, इसमें हम सिलाई डालेंगे और इसको पलट देंगे। इस मार्जिन के अलावा फिर हम यहाँ पर 1 इंच ले लेते हैं, 1 इंच पर फिर से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो एक निशान आप स्ट्रेट लगा लें, इस तरह से निशान लगा के फिर ये लाइनिंग वाला स्लीव है, इसलिए आप पहले यहाँ पर स्टिच डाल दें नॉर्मल। इससे क्या है कि लाइनिंग और ये स्लीव हमारा दोनों एक साथ सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो देखिए, मैंने ये सिलाई डाल दी है और अभी हम इसको पलट देते हैं और यहाँ पर किनारे पे एक सिलाई डाल देते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। और देखिए, जो हमने ये मार्किंग की है यहाँ पर भी सिलाई डाल देते हैं। देखिए, जिप को मैंने साइज के अनुसार जितना हमारा स्लीव का है उतना हमने कट कर लिया है और अभी हम इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। एक तो यहाँ पे करेंगे और दूसरा जो मार्किंग किया है वहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए आप प्रेशर फुटर चेंज कर लें जिससे कि जो इसकी फिनिशिंग जो है बराबर से आ सके। तो देखिए, इस तरह से हम इसको पहले स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, इसके साथ में मैंने ये लेस भी ली है, तो लेस को इस साइड में एकदम किनारे पर लेते हुए और इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए, ये हमने लगा दिया। तो देखिए, इस तरह का इसका लुक आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये आगे पीछे लाइनिंग के साथ पहले इसकी फिनिशिंग दे दें, उसके बाद जो हमारा आगे का पार्ट है वहाँ पे फिनिशिंग देनी है और यहाँ पर शोल्डर पे निशान लगा दें शोल्डर का। तो यहाँ से जितना आपने मार्जिन लिया 1.5 या 2 इंच उतना छोड़ के और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग दे देंगे। जब दोनों स्लिप तैयार हो जाए उस समय भी आप दे सकते हैं। बाद में यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा लें। तो देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से, जो एक्स्ट्रा कटिंग है ये फ्रंट में है, जो कम कट किया है ये बैक में है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं जिप की सहायता से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।